लखीमपुर खीरी की घटना के बाद योगी ने खाई कसम, 30 दिन में बेटियों को मिलेगा न्याय। आधी रात को हरकत में आए योगी तो आईपीएस संजीव को नहीं आई नींद, रात भर खोजा अपराधी। फर्क साफ है, अंकिता का कातिल हंसता है, दो बेटियों के आरोपी कंधे पर टंकर आते। यूपी में योगी के एक फैसले से जो तूफान आया वो बाकी राज्यों में सुनामी बनकर दौड़ेगा। आधी रात को योगी ने जो फैसला लिया वो इतिहास में मिसाल के तौर पर लिखा जाएगा। लखीमपुर की घटना के बाद जब विपक्ष जाति का कार्ड खेल रहा था तब योगी उन्हें 30 दिन में न्याय दिलाने की कसम खा रहे थे। फर्क साफ है, ये तस्वीर झारखंड के अंकिता केस के आरोपी शाहरुख की है जो पुलिस कैद में भी हंसता है, जबकि ये तस्वीर यूपी के अपराधियों की है जो 12 घंटे बाद इस हालत में मिलते हैं। हालांकि सवाल उठता है कि लखीमपुर में बेटियों के साथ हुआ क्या था, योगी को 30 दिन में न्याय दिलाने का वादा क्यों करना पड़ा। ये 6 आरोपी हैं, जिसमें सुहेल, जुबैर और हफिजुर रहमान के इशारे पर दोनों बहनें घर से निकली। फिर जो हुआ वो एक कहानी नहीं बल्कि एक साजिश लगती है। साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी सुनाएं, उससे पहले सुनिए लखनऊ में योगी ने क्या फरमान सुनाया। घटना बुधवार दोपहर से शाम के बीच घटी। उसी दिन शाम में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जाति कार्ड वाला ट्वीट आया, जबकि योगी ने एक्शन लिया और सूरज उगने से पहले आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए। रात भर विपक्ष सुबह जाने का प्लान बना रहा था, तब तक जुबैर के एनकाउंटर की तस्वीर आ गई। घटना में शामिल जुबैर, सुहेल, हफिजुर रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बताते हैं घटना के वक्त असल में हुआ क्या था। छोटू नाम का आरोपी दोनों बहनों के गांव का ही है, उसी ने 5 आरोपियों से मुलाकात करवाई थी। बुधवार की दोपहर लड़कियों के घर पर 2 बाइक आती है, एक बाइक पर सुहेल और हफिजुर रहमान था जबकि एक बाइक पर जुबैर था। जुबैर की बाइक पर ही बैठकर दोनों बहनें भरोसे के साथ घर से निकली। दोनों बाइक गन्ने की खेत की तरफ गई, दोनों बहनों के साथ गलत हुआ, जब इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उनको खत्म कर दिया। फिर लालपुर गाँव के 2 दोस्तों को फोन करके बुलाया। मौके पर मौजूद सभी 5 आरोपियों ने सबूत मिटाए लेकिन कानून से बच नहीं पाए। शाम को करीब 4 बजे परिवार के लोग लड़कियों को खोज रहे थे, जब नहीं मिली तो कुछ देर बाद 15 से 20 लोगों ने खोजना शुरू किया। तभी अचानक पेड़ की तरफ नजर गई तो सबके होश उड़ गए। लव जिहाद का एंगल है या नहीं, जांच हो रही है। लखीमपुर के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह घटना है। विपक्ष को सियासत का एक मौका मिला था लेकिन योगी ने सख्त एक्शन लेकर वो भी खत्म कर दिया। 25 लाख की मदद के साथ सरकारी नौकरी और जमीन देने का ऐलान किया गया। फिर भी सवाल उठता है कि अगर बात सिर्फ शादी की थी तो फिर अपराध का तरीका पेशेवर अपराधी की तरह क्यों चुना गया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था उससे साफ है कि ये मासूम दिखने वाले बच्चे शातिर अपराधी की तरह ट्रेंड थे। गाँव में घुसकर दोनों बहनों को ले जाना, फिर मारकर वहां से चले आना, सबूत मिटाना, क्या इनके पीछे कोई और भी है? क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ये हिम्मत आई कहां से। एक नेता सीएम या किसी भी कुर्सी पर जब बैठता है तो वो पिता, भाई, परिवार का रिश्ता भी निभाता है। योगी अक्सर ऐसी घटनाओं पर न सिर्फ दुखी होते हैं बल्कि भावुक हो जाते हैं। किसी सीएम को ये कहते इससे पहले शायद ही किसी ने सुना हो कि हम 30 दिन के भीतर न्याय दिलाएंगे। लखीमपुर की घटना को दलित एंगल से दिखाने की कोशिश जरूर हुई लेकिन जब एंगल लव जिहाद की तरफ घुमा तो विपक्ष को साफ सूंघ गया। इन आरोपियों की फोटो न तो मायावती ने पोस्ट की है, न ही अखिलेश यादव ने ट्विटर पर डाली है, जबकि योगी इनकी तस्वीर पूरे यूपी में लगवाएंगे और घर पर बुलडोजर भी चलवाएंगे। जनता कहती है फर्क साफ है, क्योंकि योगी चाहे कुछ भी करें अन्याय तो बर्दाश्त नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।